फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये डायग्राम ड्रॉ किया। ये जो डायग्राम है इसमें ये फंडस है, ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है, ये सर्विक्स है, और ये जो इतना पार्ट है ये वाला, ये पार्ट है यूट्रस, और इसके नीचे ये पार्ट जो है दिस इज विजाइना, और ये है ओवरी। एक ओवरी इस तरफ है और एक ओवरी इस तरफ है। दूसरी ओवरी भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखें ये इस तरफ भी ओवरी प्रेजेंट है, यहां पर भी, यहां पर भी ओवरी प्रेजेंट है, और ये ओविडक्ट जो है इसके साथ भी इस तरफ ओविडक्ट जो है ये कनेक्टेड है, ये ओविडक्ट इस तरफ भी कनेक्टेड है। तो टू ओवरीज हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। टू ओवरीज, एक ओवरी इस तरफ है और एक ओवरी इस तरफ। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हमने देखे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट्स हैं? गोनेड्स, नंबर टू यूट्रस, ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स, नंबर थ्री यूट्रस, और नंबर फोर वेजाइना। ये पार्ट्स वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोनेड्स। गोनेड्स जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और ये जो गोनेड्स हैं ये क्या है? ये पेयर ऑफ ओवरीज हैं, पेयर ऑफ ओवरीज, टू ओवरीज हैं गोनेड्स जो है। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, या फीमेल गोनेड्स जो है ये पेयर ऑफ ओवरीज हैं। एक ओवरी ये है और एक ओवरी जो है वो इस तरफ है, पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज जो है ये जो ओवरीज हैं इनकी लोकेशन क्या है, कहां प्रेजेंट हैं ओवरीज? ओवरीज आर प्रेजेंट इन द पेरिटोनियल कैविटी, ओवरीज आर प्रेजेंट इन पेरिटोनियल कैविटी। ये पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट है। पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ओवरीज आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटीज में ओवरीज प्रेजेंट है। एंड ये जो ओवरीज है ये हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स, ओवरीज आर हेल्ड इन प्लेस, हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट, लिगामेंट है, इन लिगामेंट के जरिए अपनी जगह पर प्रेजेंट है। ओवरीज आर हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट्स के जरिए ओवरीज जो है वो अपनी जगह पर प्रेजेंट है। हर एक ओवरी जो है, ये ओवरी या वो ओवरी जो है, इसकी विड्थ कितनी है? ये जो है 2 to 3 centimeter वाइड है, और ये जो है 3 to 5 centimeter लॉन्ग है, 3 to 5 centimeter लॉन्ग, ये इसकी डायमेंशन है। ईच ओवरी इज सॉलिड एंड ओवॉइड इन शेप, सॉलिड है और ओवल सी शेप में है, ओवॉइड इन शेप। देखें ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर फॉलिकल प्रेजेंट है। इन द ओवरी देयर आर फॉलिकल्स। फॉलिकल क्या है? फॉलिकल मैं यहाँ आपको बताता हूँ। ये देखें ये इस तरह है, ये जो ओवरी है, यहाँ बड़ी करके मैं बना रहा हूँ, ये ओवरी है। मैं थोड़ा सा इससे जूम करता हूँ। फॉलिकल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, फॉलिकल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सैक की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। इन द ओवरी, ओवरी में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दीज कंटेन एग, या इमैच्योर एग्स जिन्हें ओसाइट्स कहते हैं। ये जो फॉलिकल है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन द ओवरी, ओवरी में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं।
जिनमें ओसाइट प्रेजेंट है, जिनमें एग्स प्रेजेंट है। ये जो फॉलिकल्स हैं इनमें एग्स जो है वो रिलीज होते हैं। मतलब यहाँ पर देखें, ये ओवरी है, ये वाली ओवरी में, या मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसके इसे बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके। देखें ये ओवरी है और ओवरी में ये जो है ये एक फॉलिकल है, ये वाला, ये फॉलिकल है, दिस इज फॉलिकल। ये बहुत सारे फॉलिकल ओवरी में प्रेजेंट होते हैं और ईच मंथ में एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर होता है। ये फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो फिर इस फॉलिकल में से एग जो है वो रिलीज हो जाता है। ये जो एग है ये रिलीज होके ओविडक्ट में आ जाता है। एग रिलीज होके किस में आ जाता है? ओविडक्ट में। और ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है ये चेंज हो जाता है एक टिश्यू में, ये वाला टिश्यू बन जाता है, इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। अब मैं पहले आपको फॉलिकल के मुतालिक बता देता हूँ। फॉलिकल क्या है? फॉलिकल जो है वो सैट लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो फॉलिकल है इसमें इमेच्योर एग होता है जिसे ओसाइट कहते हैं। और ये जो फॉलिकल है, एक तो इसमें इमेच्योर एग है और ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। ये जो फॉलिकल है इसमें फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और ये एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। फिर ये जो फॉलिकल है ये रप्चर होता है और इसमें से एग रिलीज हो जाता है, तो एग रिलीज होके ओविडक्ट में चला जाता है। इस एग के रिलीज को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल, फॉलिकल में से एग रिलीज हो जाता है। और जब इसमें से एग रिलीज हो जाता है तो फॉलिकल चेंजेस इनटू अनदर टिश्यू, फॉलिकल एक टिश्यू में चेंज हो जाता है। इस टिश्यू को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये येलो कलर्ड एंडोक्राइन टिश्यू इन ओवरी, ये येलो कलर का एंडोक्राइन टिश्यू है। एंडोक्राइन टिश्यू इन ओवरी, ओवरी में येलो कलर का एंडोक्राइन टिश्यू है और ये वाला टिश्यू जो है ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसे प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं। दिस प्रोड्यूसेस हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्ट्रॉन। ये हार्मोन रिलीज करता है और इस हार्मोन को कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन ये हमने देखा ओवरी के मुतलक। अच्छा, पेयर ऑफ ओवरी एक ओवरी इस तरफ है और एक ओवरी दूसरी तरफ है। इन ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज को कहते हैं फीमेल गुनेड्स या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ओवरीज की लोकेशन क्या है? ओवरीज आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। एंड दीज ओवरीज आर हेल्ड इन प्लेस, ये लिगामेंट के जरिए, ये लिगामेंट्स हैं, इन लिगामेंट्स के जरिए ये जो है हेल्ड इन प्लेस अपनी जगह पर प्रेजेंट है। ओवरी की विड्थ जो है, हर एक ओवरी वाइड है, 2 to 3 centimeter वाइड और 3 to 5 centimeter लॉन्ग है। ओवरीज आर सॉलिड एंड ओवॉइड इन शेप। ओवरीज में की खास बात ये है कि ओवरीज में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉलिकल्स कहते हैं। जैसे ये मैंने एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ईच मंथ में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ये जो है ये मैच्योर हो जाता है। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम है फॉलिकल्स। और फॉलिकल में क्या होता है? फॉलिकल में इमैच्योर एग होता है जिसे ओसाइट कहते हैं। ये इसके अंदर एग है और साथ फॉलिक्यूलर सेल्स है। तो एक तो इस फॉलिकल में एग प्रेजेंट है और दूसरा इसका फंक्शन है कि ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। फिर क्या होता है, ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है। ये फॉलिकल रप्चर होता है, इसमें से एग रिलीज होकर ओविडक्ट में चला जाता है। तो रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से रिलीज ऑफ एग को कहते हैं ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, ओव्यूलेशन। फिर ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है, ये जो ब्रोकन फॉलिकल है, ये इस टिश्यू में चेंज हो जाता है और इस टिश्यू का नेम मैंने यहाँ लिखा है कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो टिश्यू है कॉर्पस ल्यूटियम है। तो कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल। जब ये फॉलिकल ब्रेक होगा आफ्टर ओव्यूलेशन, जब इसमें से एग रिलीज हो जाएगा
तो ये जो ruptured follicle है, this changes into corpus luteum. Corpus luteum येलो कलर का टिश्यू है और ये ओवरी में प्रेजेंट है, एंडोक्राइन टिश्यू है और ये प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है. ये हमने देखा ओवरीज के मुतल्लक. तो पेज ऑफ ओवरीज, ओवरीज जो है ये फीमेल गोनेड्स है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है. ये पहला पार्ट हमने डिस्कस किया ओवरीज, ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया फीमेल गोनेड्स, जिन्हें हम कहते हैं पेयर ऑफ ओवरीज. अब हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं ओविडक्ट्स. ये क्लियर है आपको? ओविडक्ट्स, ओविडक्ट यहां पर डायग्राम में देखें, इधर ये एक ओविडक्ट है, ये वाली ओविडक्ट है ये, और दूसरी तरफ दूसरी साइड पर ये आपको ओविडक्ट नजर आ रही है. ये एक ओविडक्ट ये है और एक ओविडक्ट ये है, एक ओवरी ये है और एक ओवरी ये है, टू ओवरीज हैं और ये ओविडक्ट है. ओविडक्ट को हम डिस्कस करते हैं और इसके मुतालिक देखते हैं डिफरेंट पॉइंट्स हम ओविडक्ट के मुतालिक. ओविडक्ट का एक और भी नेम है, ओविडक्ट को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब इसे कहते हैं. ओविडक्ट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं. ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब क्यों कहते हैं? इसे फैलोपियन ट्यूब इस वजह से कहते हैं कि फिलिप्पो साइंटिस्ट, फिलिप्पो ने, इटालियन साइंट बायोलॉजिस्ट फिलिप्पो, उसने इसको पहली बार डिस्कस किया तो उसके नेम पर फैलोपियन ट्यूब कहते हैं. ये किस किस को कनेक्ट करती है? यहाँ पर ओवरी है इस तरफ और इस तरफ ये यूट्रस है, तो इट कनेक्ट्स ओवरीज विद यूट्रस. ये ओवरीज को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है, ओविडक्ट कनेक्ट ओवरीज विद यूट्रस, ओवरी को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है. ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ओविडक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ये जो ओविडक्ट है ये क्या करती है? यहाँ से जो एग रिलीज होता है ये इस ओविडक्ट में पास होता है और स्पर्म यहाँ पर आते हैं विजाइना में, और यहाँ से स्पर्म मूव करते हैं और ये स्पर्म यहाँ विजाइना से मूव करके ये ओविडक्ट में आते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है. इस जगह पर यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पर, तो इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ओविडा, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ओविडा, ओविडा में फर्टिलाइजेशन होती है. अच्छा एक बात याद रखनी है, ओविडा के कौन से पोर्शन में फर्टिलाइजेशन होती है? ये जो इसका ओवरी की तरफ पार्ट है, जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो इसका पहला पार्ट है विच इज क्लोज टू द ओवरी, यहां पर फर्टिलाइजेशन होती है. तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द पार्ट ऑफ ओवरी, और सॉरी पार्ट ऑफ ओविडा विच इज क्लोज टू ओवरी, पार्ट ऑफ ओविडा विच इज क्लोज टू ओवरी. और ये भी क्या करता है? फर्टिलाइज्ड ओवम को ये पास करता है टू द यूट्रस. तो एक और इसका फंक्शन है, इट पासेस फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम टू यूट्रस, यूट्रस की तरफ फर्टिलाइज्ड ओवम को पास करता है ओविडक्ट. ये इसका एक फंक्शन है. तो ओविडक्ट हमने देखा टू ओविडक्ट है, एक ये ओविडक्ट है और एक इस तरफ ओविडक्ट है. ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फिलिप्पो इटालियन बायोलॉजिस्ट फिलिप्पो के नेम पर, और ये ओवरीज को यूट्रस के साथ कनेक्ट करते हैं. 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और फर्टिलाइजेशन इसमें होती है. फर्टिलाइजेशन किस पार्ट में होती है? पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच इज क्लोज टू ओवरी. और इसके अलावा लास्ट पे क्या लिखा है? क्या चीज बेटा? लास्ट वाला क्या लिखा है? पासेस, ये हां इट पासेस फर्टिलाइज्ड ओवम टू द यूट्रस. ये जो है ये जब फर्टिलाइजेशन होती है
तो जो ओवम है, फर्टिलाइज्ड ओवम, जाइगोट है, उसको आगे जो है ये पास करता है टुवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ वो पास हो जाता है, इस तरफ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है उस तरफ। नेक्स्ट हम पोर्शन देखते हैं, टू पार्ट्स हमने डिस्कस किए, एक पार्ट हमने डिस्कस किया ओवरी, दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया ओविडा। अब हम देखते हैं यूट्रस, ये जो पार्ट है यूट्रस आप देखेंगे। यूट्रस का एक और भी नेम है और इसे कहते हैं वोम भी कहते हैं। ये वो पार्ट है जहां पर, ये वो पार्ट है जहां पर जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है वो होती है। तो इन दिस पार्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स। इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप जो है वो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड है, इन्वर्टेड पियर की तरह की इसकी शेप है। इसके थ्री पार्ट्स हैं, यहां मैं डायग्राम में बताता हूं। एक इसका पार्ट ये है, नंबर वन फंडस, ये वाला पार्ट है FUNDUS, ये एक पार्ट है फंडस। फंडस जो है वो टॉप ऑफ द यूट्रस है, यूट्रस का टॉप है फंडस। दूसरा पार्ट है इसका बॉडी, ये सेकेंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट इसका ये है सर्विक्स। तो इसका मतलब है इसके थ्री पार्ट्स हैं। कौन कौन सा पार्ट है इसका? एक है नंबर वन फंडस, और सेकेंड जो है वो बॉडी, और थर्ड जो है वो सर्विक्स है, थर्ड सर्विक्स। फंडस जो है वो टॉप ऑफ द यूट्रस है, और बॉडी जो है ये मेन पार्ट ऑफ द यूट्रस है। और सर्विक्स क्या है? सर्विक्स ये वाला पार्ट, ये सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ यूट्रस। सर्विक्स क्या है? ओपनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस की ओपनिंग को सर्विक्स कहते हैं, ओपनिंग ऑफ यूट्रस। ये जो ओपनिंग है, दिस इज ब्लॉक्ड बाय अ प्लग ऑफ म्यूकस, दिस इज ब्लॉक्ड बाय अ प्लग ऑफ म्यूकस। यहां पर म्यूकस जो है उससे ये ब्लॉक रहती है, ये जो सर्विक्स है। तो सर्विक्स हमने कहा ओपनिंग ऑफ यूट्रस, एंड दिस इज ब्लॉक्ड बाय अ प्लग ऑफ म्यूकस, म्यूकस से ये ब्लॉक रहती है। अब यू वॉल ऑफ यूट्रस हम देखते हैं, यूट्रस को हम वोम भी कहते हैं। ये वो पार्ट है वेयर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर, जहां पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। ये इसकी शेप इन्वर्टेड पेयर की तरह की है, और इसके थ्री पार्ट्स हैं। टॉप को हम फंडस कहते हैं, ये इसका मेन बॉडी है, और ये इसकी ओपनिंग है, ओपनिंग का नाम है सर्विक्स। अब हम देखते हैं कि वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल जो है उसकी कौन सी लेयर्स है। वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल की थ्री लेयर्स है। ये आउटर मोस्ट लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम। ये जो पेरीमेट्रियम है ये कवरिंग ऑफ द यूट्रस है, यूट्रस की कवरिंग है पेरीमेट्रियम। और ये जो पोर्शन है जहां मैं ये वाला एरो लगा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो पोर्शन है ये मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम, मायो का मतलब है ये मस्कुलर है, मायोमेट्रियम दिस इज अ मस्कुलर, ये मस्कुलर है। और इसमें कौन से मसल्स हैं? इसमें स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल, मायोमेट्रियम मस्कुलर है और ये स्मूथ मसल्स है। ये मिडल लेयर है, ये आउटर लेयर है, और मायोमेट्रियम कौन सी लेयर है? मायोमेट्रियम जो है वो मिडल लेयर ऑफ यूट्रस है, ये मिडल लेयर है। ये जो स्मूथ मसल्स हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेबी की डिलीवरी में हेल्प करते हैं। ये देखें यहां पर मैं सबसे इनर लेयर बना रहा हूं, ये सबसे इनर लेयर है, जो इनर लेयर है ये वाली इनर लेयर है। इस इनर लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम, मैं इसमें डॉट्स लगा देता हूं, ये जो इनर लेयर है ये वाली, ये सबसे इनर लेयर है, दिस इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, ये वाली, या इस तरफ मैं इंडिकेट कर देता हूं, यहां पर ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो है ये इनर लेयर है, इनर लेयर। और ये जो है ये स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी, और इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये लेयर टेम्परेरी है, दिस इज अ टेम्परेरी।
ड्यूरिंग द मेंसेस ये लेयर जो है ये ब्रेक होती है, और जब ब्रेक होती है तो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड डेब्रिस अकर थ्रू द सर्विक्स थ्रू द वजाइना, तो उसके दौरान ये लेयर ब्रेक हो जाती है, ये दोबारा लेयर बनती है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर जो है वो एम्ब्रियो यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है, तो फिर ये लेयर ब्रेक नहीं होती। ये जो लेयर है इसके साथ क्या होता है, इसके साथ एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट होता है, एम्ब्रियो इसके साथ अटैच हो जाता है। जब एम्ब्रियो अटैच होता है तो ये एम्ब्रियो की नरिशमेंट करती है, एम्ब्रियो इसके साथ इम्प्लांट होता है जो एम्ब्रियो की नरिशमेंट करती है। मैंने बताया कि वॉल ऑफ द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स, आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिमेट्रियम, मिडल लेयर इज मायोमेट्रियम, दिस इज मस्कुलर, और इसमें स्मूथ मसल्स हैं। जब ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेबी की डिलीवरी में हेल्प करते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, ये स्पॉन्जी है और टेम्परेरी है। एम्ब्रियो इसके साथ आकर इम्प्लांट होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये लेयर ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग द मेंसेस, और फिर दोबारा ये लेयर रिपेयर होती है, दोबारा बनती है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एम्ब्रियो इसके साथ अटैच होता है और ये एम्ब्रियो की नरिशमेंट करती है, इसमें प्लेसेंटा बनता है जिसके साथ ये एम्ब्रियो अटैच होता है। वेजाइना, वेजाइना को कहते हैं बर्थ कैनाल, वेजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल, वेजाइना को बर्थ कैनाल कहते हैं। और ये जो है ये यूट्रस के आगे एक ट्यूब है जो कि ओपन टू द एक्सटीरियर, ये बाहर की तरफ ओपन हो जाती है। बर्थ कैनाल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द बर्थ बेबी पासेस थ्रू दिस कैनाल, इस पैसेज में से बेबी पास होता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो भी इस कैनाल के जरिए होता है। और वजाइना की लेंथ जो है वो भी इसमें मेंशन है कितनी लेंथ है, ये हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं कुछ क्वेश्चंस अब आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, अब क्वेश्चंस ये हैं, आप एक क्वेश्चन लिखें, नंबर वन, व्हाई इज या व्हाट आर फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। What are functions of female reproductive system? Female reproductive system के कौन से function है? एक इसका function है oogenesis, formation of eggs, oogenesis, formation of egg. दूसरा इसका एक और function है, कौन सा function है? Fertilization. एक और function है development of embryo. Embryo की development इसका function है, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के अलावा और इसका क्या फंक्शन है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के अलावा फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन। दो तरह के हार्मोन बनते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या है? क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू लिखें, राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, यूट्रस का स्ट्रक्चर क्या है? तो यूट्रस के स्ट्रक्चर में आपने क्या बताना है? यूट्रस को बॉम भी कहते हैं, और यूट्रस के तीन पार्ट्स हैं, फंडल स्टॉप है, फिर बॉडी है, मेन पार्ट है, फिर सर्विक्स है। ये तीन पार्ट्स पहले बताने हैं, फिर बताना है वॉल ऑफ यूट्रस की थ्री लेयर्स हैं, आउटर मोस्ट लेयर को पेरिमेट्रियम, मिडल लेयर को मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये इसके स्ट्रक्चर में आपने बता देना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थ्री है कि व्हाट डू यू नो अबाउट फॉलिकल एंड कार्पस ल्यूटियम, what do you know about follicles
कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम. वेयर आर दीज प्रेजेंट, वेयर आर दीज प्रेजेंट, ये कहां प्रेजेंट है? देखें बेटा, व्हाट डू यू नो अबाउट फॉलिकल्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम एंड वेयर आर दीज प्रेजेंट, ये कहां प्रेजेंट है?